अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको घर में नान बनाने का तरीका बताती हूँ, जिसके लिए मैं ले रही हूँ 2 टेबल स्पून ओलिव ऑयल, 1 टीस्पून योगर्ट, 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है और 1 टीस्पून मैंने शुगर ली है और एक टीस्पून मैं ये बेकिंग पाउडर लूँगी और 400 ग्राम मैंने मैदा लिया है और 1 गिलास वॉम वाटर लिया है। चलिए आप स्टार्ट करते हैं कि कैसे इसको गूनते हैं। पहले मैं इसमें शुगर मिला रही हूँ, नमक मिला रही हूँ, ऑलिव ऑयल मिला रही हूँ, ये बेकिंग पाउडर मिला रही हूँ और ये योगर्ट भी। योगर्ट अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको मिक्स करते हैं और पहले इसको सबको मिक्सर को मिक्स करते हैं। अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लें इसको पहले। अब पानी इसमें थोड़ा थोड़ा मिलाना है। पानी अगर थोड़ा हो तो आप और भी ले सकती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आटा जो है वो ज़्यादा सख्त भी होना चाहिए और ज़्यादा नरम भी नहीं होना चाहिए। अब मैं इसको हाथ से ही गूंद लूंगी। देखें व्यूवर्स, माशाल्लाह आटा जो है वो गुन गया है, मैंने अच्छे से गुन गया है। अब इसके कटोरी में रखा हुआ थोड़ा सा तेल था वो मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ ऐसे, ताकि ये ड्राई ना हो, और इसको फोइल से ऐसे कवर करके तो आप तकरीबन घंटे के लिए, जब तक कि ये हो नहीं जाता ऊपर डबल नहीं हो जाता तब तक लिए आप रहने दें इसको। देखें व्यूवर्स, ये आटा मैंने कवर करके रख दिया। अब देखें व्यूवर्स, आटा माशाल्लाह ऑलमोस्ट अच्छा से गुन गया है और ऊपर भी पहले से डबल हो गया है, और मैंने पेड़े बना के रख दिए हैं इधर। अब मैं नान बेलने लगी हूँ। एक तरफ पानी लगा के, जिस तरह तवे पे रखेंगी उस तरफ पानी लगाएं। देखें व्यूवर्स, माशाल्लाह कितना अच्छा नान बन रहा है। देखें व्यूवर्स, माशाल्लाह कितना अच्छा नान बना है। आप अब दूसरी तरफ से देखें, देखें दूसरी तरफ से ही पक गया है। देखें व्यूवर्स, माशाल्लाह कितने अच्छे घर में नान बने हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई वीडियो, प्लीज़ प्लीज़। अल्लाह हाफिज़।